हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज डिस्कस करते हैं राहु के स्पेशल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो राहु के कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला यह है कि राहु अगर किसी प्लेनेट के साथ बैठता है तो फिर वो उस प्लेनेट की जो है उसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस बहुत हद तक करता है। तो कंजंक्शन और आस्पेक्ट राहु के अगर आप देखो तो अब जैसे मान लीजिए राहु का आस्पेक्ट फॉर एग्जांपल वीनस के साथ भी है या कंजंक्शन आप ले लो या प्लूटो दोनों के साथ है यानी राहु वीनस प्लूटो, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? या फिर राहु केतु दोनों सन के नक्षत्र में है कॉन्स्टिलेशन में है तब क्या होगा? मैंने एक हॉरोस्कोप देखी थी फ्रेंड्स, उसमें अगर आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे। राहु और केतु दोनों सन के नक्षत्र में थे और उसकी वजह से व्यक्ति ब्लाइंड था, बाई बर्थ वो व्यक्ति ब्लाइंड पैदा हुआ। यानी राहु केतु दोनों सन के नक्षत्र में चले गए, व्यक्ति को अंधा कर दिया। बाकी सन ठीक था, हाउस भी ठीक थे, कोई 6-8-12 नहीं था उसमें, ठीक है, लग्न भी ठीक था, एसेंडेंट भी ठीक था। केवल दो चीज़ें थी, एक तो राहु केतु आपके जो थे वो सन के नक्षत्र में थे और मून जो है वो मैलिफिक इन्फ्लुएंस में था यानी मून सैटर्न के इन्फ्लुएंस में था, सीधी सी बात है। और एक चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सूर्य की और राहु का कंजंक्शन था, ठीक है, वो भी 7th हाउस में। तो अब 7th हाउस तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वहाँ पर व्यक्ति ब्लाइंड हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राहु के जो स्पेशल कॉम्बिनेशन है केतु के साथ भी, अगर आप देखो कि अब राहु अगर वीनस के साथ है, केतु भी अगर वीनस के साथ है उसके नक्षत्र में है, तो फिर वो वीनस के जो रिजल्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अब ये जो इन्फ्लुएंस है अब वीनस के साथ अच्छा होगा क्योंकि राहु केतु वीनस फ्रेंड है, सन जो है वो एनिमी है राहु केतु का। तो अब वहाँ पर ब्लाइंड पर्सन हुआ, सन के साथ राहु केतु थे नक्षत्र में। यहाँ पर अगर आप देखो वीनस के साथ है तो फिर वीनस के साथ राहु केतु फिर बहुत अच्छा फल देंगे, तो वो उसका मतलब उसमें वीनस के जो है वो यानी आप कह सकते हो कि सेक्सुअल कॉम्पिटेंसी उसकी बहुत अच्छी होगी, उसकी पावर बहुत अच्छी होगी, फिजिकल पावर। तो इस प्रकार से राहु केतु अपना एक बड़ा स्पेशल और विशेष फल देते हैं, चाहे वो आस्पेक्ट करें या कंजंक्शन करें या नक्षत्रों में हों प्लैनेट्स के, ठीक है, और ऑब्वियसली होते ही हैं, किसी न किसी प्लैनेट के नक्षत्र में वो होंगे ही होंगे और आस्पेक्ट कंजंक्शन में भी वो होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, अब प्लूटो अगर जुड़ गया, फॉर एग्जांपल प्लूटो राहु केतु और कोई प्लैनेट आ गया वीनस मान लीजिए अब आ गया, तो प्लूटो फिर ग्रुप एक्टिविटी को बढ़ा देता है और उसको एनहांस कर देता है, ग्रुप एक्टिविटी करता है प्लूटो, तो वहाँ पे प्लूटो का भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से राहु केतु यदि आस्पेक्ट कर रहे हैं, कंजंक्शन कर रहे हैं, या दोनों राहु केतु किसी एक ही प्लेनेट के नक्षत्र में हैं, तो उस प्लेनेट के वो स्पेशल जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लाइंड पर्सन की कुंडली मैंने खुद चेक करी है, राहु केतु दोनों सन के जो है वो नक्षत्र में थे और उस कुंडली में कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। तो इस प्रकार से राहु केतु के विशेष फल होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं राहु केतु के विशेष फल तो आप अपनी होरोस्कोप का एनालिसिस करा सकते हैं। कमेंट में आप अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस दीजिए और उसके बाद फिर पेड कंसल्टेशन के थ्रू आपको उसका जो फल है राहु केतु का वो पता चल जाएगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। बाय।